डस्ट सारी नोज में चली गई। मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। आप इतने दिन से अकेले रह रहे थे और आपने मुझे क्यों नहीं बोला है? एविल तो ऐसी जगह पे रहते हैं ना। ओह माय गॉड। क्या हो गया? तो नहीं यहाँ पे कोई। तो क्या ये क्या कर रही हो? तो गाइस देखिए भाई बीच रोड में ये लड़की मेरे पीछे पड़ चुकी है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है आफ्टरनून में। तो भाई आज ना अपने घर में काफी ज्यादा कचड़ा हो चुका है क्योंकि मेरी दीदी जो थी वो दो तीन दिन घर से नहीं थी। तो मैं हेलमेट लेके फुल रेडी हो चुका हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ पहले बकबक को लेने। तो गाइज मेरे रूम की हालत जो है ना वो काफी ज्यादा गंदी हो चुकी है। तो भाई आप रूम की हालत देख सकते हैं, यहाँ पे सारे भाई टिफिन मेरे ऐसे के ऐसे पड़े हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किए हुए थे टिफिन यहाँ पे, तो मैं इसे खाना जो है वो बिल्कुल बन नहीं पा रहा था। तो चलो कोई नहीं, मैं बकबक को ले आता हूँ पहले। तो वो बोल रही है कि मैं आके आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो चलो देखते हैं भाई अपना रूम साफ हो पाएगा। भाई इतनी ज्यादा गंद है ना, पूरे पिछले एक हफ्ते की गंद है यहाँ पे। तो भाई पूरे रूम की हालत जो है ना वो पूछो ही मत क्या हो चुकी है। तो चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ, पहले बब्बक को रिसीव करता हूँ। तो गाइज काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि आप काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो, बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। तो गाइज जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से फॉलो कर दो और वहाँ पे भी मेरे 10K फॉलोअर कंप्लीट करो। और भाई सारे बोलते हैं कि भाई आपको घमंड आ चुका है, घमंड आ चुका है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक काम करूंगा इंस्टाग्राम पे अपना नंबर लिख दूंगा, तो भाई सारे मुझे कॉल कर देना, ठीक है? तो मैं सबके साथ बात कर लूंगा। तो भाई आप खुद ही देख लेना कि भाई मेरा फोन कितना ज्यादा वेटिंग में आएगा, क्योंकि भाई इतने सारे लोग एक साथ अगर मुझे कॉल कर देंगे तो भाई मैं कॉल सेंटर वाला बन जाऊंगा, मैं ब्लॉगर नहीं रह पाऊंगा। तो भाई आस्ता आस्ता मैं इंस्टाग्राम पे सबसे बात कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई राइड तो हम कर ही रहे हैं और काफी ज्यादा मजा भी आता है यहाँ पे राइड करने में। यहाँ पे गर्मी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, अभी काफी ज्यादा ठंडा मौसम है यहाँ पे, काफी मजा आता है व्लॉगिंग करने में। और बस ऐसे ही स्पोर्ट दिखाते रहो। तो चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मिलता हूँ बकबक के पास जाके। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपनी बकबक के पास। हाय बकबक, कैसे हो? ठीक, आप कैसे हो? बस मस्त। अब मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। आप इतने दिन से अकेले रह रहे थे और आपने मुझे क्यों नहीं बोला है? यार अब मैं अपने फ्रेंड को क्या ही तंग करता यार, कुछ नहीं होता, कभी कभी ना अकेले रहना भी आना चाहिए। अच्छा, तो आज कैसे याद आई है मेरी? यार कल ना अब दीदी आ रहे हैं तो मुझे डर ही लग रहा है, क्योंकि रूम की हालत इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है ना, अब तो वहाँ पे मुझे लगता है जानवर भी नहीं रह सकते हैं। अच्छा? आपको पता तो है बॉयज के रूम कैसे होते हैं यार। और खाना कौन देता था आपको बना के? यार खाना ना मैंने वहाँ पे एक आंटी से बोला हुआ था, तो वो मुझे टिफिन में पैक करके देते थे, तो वही मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है खाना, तो बासा खाना खाना पड़ रहा है। शाबाश, शर्म आनी चाहिए आपको। कल शाम को भी सिर्फ मैक्रोनी से ही काम चलाया था। शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली क्या बात है, आपको पता तो है लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है, दिन भर व्लॉगिंग में ही निकल जाता है, तो क्या ही बनाऊं अब खाना, कहां टाइम ही नहीं मिलता खाना बनाने का, रूम साफ करने का। हाँ। तो मैंने सोचा चलो आपको ही याद करता हूं, फ्रेंड ही मुश्किल टाइम में दूसरे की हेल्प कर सकता है। हाँ चलो आओ, अब देखो वहाँ पे रूम पे क्या हालत बनी हुई है। अच्छा आपको आता है रूम साफ करना? यार आज तक आपने ना बहुत सारे रूम साफ किए होंगे अपने घर में, मतलब करते रहते होंगे, है ना? क्यों? लेकिन जो मेरे रूम की हालत है ना वहाँ पे आप भी बोलोगे भाई तोबा तोबा। अच्छा? हाँ, इतनी ज्यादा बुरी हालत है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं वहाँ पे रहता कैसे हूँ। एक कहीं मोबाइल पड़ा है, कहीं चार्जर पड़ा है, कहीं अडॉप्टर पड़ा है, पूरे रूम में ना सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सच्ची? हाँ। चलो कोई नहीं, जितना आपसे भी होगा तो आप भी मेरा रूम साफ कर देना, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि एक फ्रेंड जो है ना वही दूसरे फ्रेंड के काम आता है। तो भाई ये देखो अपनी फ्रेंडशिप कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो भाई चलो अब देखते हैं, आज बकबक ना वहाँ पे जाके पागल होने वाली है, वो पागल मत होना। ओके। सो फाइनली गाइस निकल चुका हूँ मैं बकबक को पिक करने के बाद। तो भाई आज अपने रूम की ना सफाई होने वाली है, तो रूम भी खुश होने वाला है, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी मेरे रूम की। तो अब वो तो वहाँ पे ही जाके पता चलेगा कि भाई बकबक से गालियाँ पड़ती हैं या क्या होगा। सो फाइनली गाइज मैं अपने रूम पे पहुंचने वाला हूं, तो भाई मैं रूम का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तो चलो मैं निकलता हूं, पहले मिलता हूं डायरेक्ट रूम में जाके। सो फाइनली गाइज पहुंच चुका हूं मैं अपने रूम पे, तो भाई यहां पे लगा हुआ है लॉक, तो चलो पहले मैं रूम को अनलॉक कर देता हूं। और भाई ये अपने रूम का व्यू, तो भाई चेक कर सकते हो, तो बकबक को आने दो, आ जाओ। ये देख लो ये है मेरा रूम, और आप इस रूम का व्यू चेक कर सकते हो, कितना सामान देखो सिमेट्रिक वे में लगा हुआ है सारा। कितनी अच्छी पार्क में लेके आए आप, यहां पे इंसान रहते कि जंगली रहते हैं? यार इंसान कहाँ रहते हैं, यहाँ सिर्फ एक मैं ही रहता हूँ, डेविल रहता है यहाँ पे। जंगली हो? यार डेविल तो ऐसी जगह पे रहते हैं ना। ओह माय गॉड। क्या हो गया? चप्पल नहीं यहाँ पे कोई। क्या करना है चप्पल को? आपको मारना है उससे। अच्छा चप्पल से भूत भगाने? हाँ। नहीं, नहीं। जैसे वो भी। यार क्या हो गया, कुछ नहीं होता मेरा। मेरा कितनी डिसरिस्पेक्ट की हुई है आपने। यार ये डिसरिस्पेक्ट नहीं की हुई है, ये पता क्या, ये एक दिन एक टिफिन से खाया, दूसरे दिन दूसरे टिफिन से, तीसरे दिन तीसरे टिफिन से, अब क्यों? तो यार अगर आप किचन की हालत देखोगे ना तो वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। आओ किचन की हालत दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए भाई ये अपना किचन, तो भाई यहाँ पे देखो भाई गैस पे भाई प्याज भी यहीं पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखो भाई सारा भाई, और ये देखो भाई चले में बर्तन भाई, कौन और ये देखो मैक्रोनी की पैकेट।
और भाई सारा सामान जो है ना वो गिर चुका है। तो भाई आज बकबक जो है फाइनली आ चुकी है अपने रूम में। फाइनली बकबक कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। क्यों, क्या हो गया यहाँ पे? मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया यार? बाहर आओ आप पहले। बस एक बात बोलो मुझे, अब क्या आप ये रूम साफ कर पाओगे? मैं सिर्फ रूम साफ कर सकूंगा, किचन साफ नहीं कर सकती। यार कोई नहीं, एक काम करो आप ना रूम साफ कर दो, किचन वाला काम मैं कर देता हूँ, ठीक है? ओके। हो गए? चले। ओके ओके। तो चलो, तो भाई चलो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो मिशन स्टार्ट। तो भाई अपना मिशन है आज ये रूम साफ करना। तो भाई देखो ये अपना फ्रेंड बिस्किट के कागज देखो बेड पे फेंक दो। तो भाई ये देखो अपना क्यूटू सा फ्रेंड। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे बिस्किट के पैकेट। तो भाई इतने सारे बिस्किट मैंने खाए हैं ये, तो भाई कूड़ा सारा यहाँ फेंका हुआ। अब भाई आप देखो इस रूम की 10 मिनट में बकबक कैसे सफाई करके देती है। तो चलो मिशन होता है अपना स्टार्ट। तो ऑन योर मार्क गेट सेट गो। तो गाइस देखिए भाई ये है अपनी बकबक। तो इसकी शक्ल आप पहले देख लो, पहले शक्ल देख लो कितनी गोरी है, और देखना जब सफाई करेगी ना उसके बाद कैसे काली काली हो जाएगी। तो चलो भाई बकबक को भेजते हैं, करते हैं काम स्टार्ट अपना। गाइस देखिए भाई ये अपना वो कूड़ा खाने वाला रूम था। तो भाई यहाँ पे ना कूड़ा सारा बकबक ने कहाँ गुम कर दिया। बकबक कहाँ डाल दिया सारा कूड़ा? पेट में। तो गाइस देखो भाई इसकी डस्टबिन में डाला होगा ना, पेट में तो डाला नहीं होगा। हाँ तो गाइस देखिए भाई डर ही लगता है इनसे, एक तो इतना ज्यादा डांटती है ना ये, पता नहीं कहाँ से। आपकी मम्मा कैसे रहती है आपके पास? जैसे आप मेरे साथ राइड पे चलते हो वैसे ही। भाई लड़की ने रूम जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया। तो अब लग रहा है भाई कि यहाँ पे कोई इंसान रहता था, अभी तक तो यहाँ पे लग रहे थे भाई जानवर रहते हैं। तो ये है भाई अपनी बकबक। तो भाई देखो काले हो चुके हैं। तो ये जानवर ही है, गलती से उसको इंसान मत समझना। तो गाइस देखिए भाई बकबक पूरे काले हो चुके हैं। भाई कितने गोरे रहे जब यहाँ पे आए थे, तो भाई सारी सारी डस्ट जो है ना वो इनके मुंह पे लग चुकी है। भाई कमरे में डस्ट ही इतनी ज्यादा थी क्योंकि यहाँ पे 5 दिन से कोई झाड़ू नहीं मारा गया था। तो आज इन्होंने झाड़ू मार के झाड़ू के साथ ही आपको मारूं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। okay. इतने भी ज्यादा काले नहीं हुए, बस इससे थोड़े ज्यादा काले हुए। सो फाइनली गाइस भाई हम ना घर से निकल चुके हैं, और ये देखो भाई बकबक, इसकी आप हालत देख रहे हो चिड़िया की। चिड़िया की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है ना भाई, कहाँ भाग गई चिड़िया। सो फाइनली गाइस अभी हम एक काफी अच्छी लोकेशन पे पहुंचे हैं। तो भाई बकबक बोल रही थी मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, तो बोल रही हूँ मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो भाई बकबक ना बोल रही है अब मेरे को यहाँ पे बैठना है, पहले कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो भाई आज बकबक ने ना काफी ज्यादा काम किया। तो ये देखो भाई अपनी चिड़िया, तो ये चिड़िया देख रहे हो आज थक गई है बिल्कुल, शक्ल देखो इसकी काली काली हो चुकी है भाई, इतना ज्यादा काम किया ना इसने। तो बकबक क्या कहना चाहोगे अब आप? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तो गाइस देखिए भाई बीच रोड में ये लड़की मेरे पीछे पड़ चुकी है। तो क्या हो गया बकबक? क्या हो गया यार, पत्थर लेके मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या हो गया आपको? क्या हो गया बदतमीज? वहां पे जंगली रहते थे, इंसान रहते थे। यार वहां पे मैं रहता था ना, आपका डेविल। थक गई हूं मैं। अच्छा थक गए हो? हां। तो गाइस मुझे अब काफी ज्यादा इनसे डर लग रहा है। तो भाई ये देखो अपनी चिड़िया चुकी है, थक गई है। भाई चिड़िया थक चुकी है अपनी, तो आप कहीं चिड़िया आने वाली है मेरे को। अच्छा डस्ट सारी नोज में चली गई। ओ माय गॉड। तो भाई देखो भाई ये देखो भाई, तो कोई नहीं चलो कोल्ड ड्रिंक पी लो, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, थोड़े से मोटे हो जाओगे। पी लो पी लो, आराम से पीना, मैं पी लूं। अगर ये गिरी ना तो फिर आपकी मुंह पे बैठेगी। अच्छा तो गाइस इस लड़की ने आज ना काफी, गाइस ये दूंगी नहीं मैं। तो डेविल हम इस लड़की ने काफी ज्यादा काम किया, तो हमें इससे कोल्ड ड्रिंक की उम्मीद है भी नहीं। तो भाई इसको पीने तो थक चुकी थी, पूरा काम इसने किया, मैंने कोई हेल्प नहीं की है इसकी। तो भाई काफी अच्छा रूम बना के आ गए हैं, रूम अपना बिल्कुल सेट हो चुका है। तो कल अब मैं दीदी से बच जाऊंगा, अब कल नहीं मैं पिटने वाला। थैंक यू बकबक। ये क्या होते दीदी यार, मैंने तक काम। तो गाइस देखो इस लड़की ने मुझे मारा ना। नहीं नहीं गाइस इस लड़की को मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, क्योंकि रूम जो है ना वो नेक्स्ट टाइम फिर गंदा हो जाएगा, तो फिर कौन साफ करना है यार। प्लीज यार प्लीज आओ ना, ऐसी हालत दोबारा मत करना यार मेरे से। टाइम से पहले बुला देना, लेकिन ऐसी हालत मत करना। ठीक है कोई नहीं कोई। तो गाइस यहाँ पे चल रही है चिप्स कोल्ड ड्रिंक पार्टी। तो भाई ये लड़की ना काफी ज्यादा भुक्कड़ है, तो भाई ये हमेशा ना अकेले अकेले पीती है। तो अगर तूने इस टाइम अकेले अकेले पिया मैं तुझे पीट दूंगा। इतनी हिम्मत है आपकी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सो गाइज इस टाइम हम जा रहे हैं भाई एक राइड पे, और बकबक बोल रही है बाइक आस्ता चलाओ, क्योंकि भाई बकबक अपनी ना कोल्ड ड्रिंक पी रही है पीछे। बकबक आराम से पीना कोल्ड ड्रिंक, नहीं तो मैं ब्रेक मारूंगा तो कोल्ड ड्रिंक मुंह से बाहर ना आ जाए, मेरे ऊपर पड़ जाए सारी कोल्ड ड्रिंक। अच्छा
तो गाइस इस लड़की ने ना इतना मुंह ठूसा हुआ है भाई, दोनों साइड मुंह में चिप्स भरे हुए हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक पिए जा रही है। तो भाई फुल मजे ले रही है बाइक राइड के। तो मैं आराम से चलूंगा, तो भाई कहीं गले में ना फंस जाए चिप्स और इनको कुछ हो ना जाए। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। गाइस अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो व्लॉग को करो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और गाइस ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो अगर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलता हूँ एक नेक्स्ट तगड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।